ये सच्ची कहानी एक ऐसे बंदे की है जो स्पेशलिस्ट नेवी डाइवर था। ऐसे एक दिन समंदर में डाइविंग ट्रिप पर गया। डाइविंग के लिए सूट वगैरह पहनाकर जब उसे पानी में उतारा गया तो उसे पहुंचाने आए साथी वहां से चले गए, क्योंकि उस बंदे का कहना था मैं शाम तक यहीं रहूंगा, पर अंधेरा होने से पहले तुम लोग मुझे लेने आ जाना। लेकिन जब शाम हुई तो उसे लेने पहुंचे लोग देखे कि यहां वो बंदा है ही नहीं, समंदर में ही कहीं गुम हो गया। स्टोरी की शुरुआत हुई देश न्यूजीलैंड से। ये समय है 6 फरवरी सन 2006। देश न्यूजीलैंड के पश्चिम साइड में मौजूद है एक आइलैंड, जहां इस समय मौजूद है रॉबर्ट नाम का एक बंदा। दरअसल वह पिछले 20 सालों से नेवी में था, इसी वजह से उसे डाइविंग ट्रिप पर जाने का शौक था। आज वह इसी ट्रिप पर जाने के लिए इस आइलैंड पर पहुंचा है, जहां है उसकी वाइफ भी। सुबह सुबह जाने से पहले अपनी वाइफ को बताया कि मुझे आने में शाम हो जाएगा, इसलिए यदि लेट हो तो परेशान मत होना। लेकिन उसकी वाइफ बिल्कुल नहीं चाहती कि वह डाइविंग पर जाए, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग डाइविंग पर गए थे इससे पहले भी, पर समंदर के बीच जाकर गायब हो गए, जिनका अब तक कुछ पता नहीं चला। पर रॉबर्ट का कहना था उसने समंदर में 20 सालों तक काम किया है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, वह शाम तक आ जाएगा। फाइनली सुबह सुबह रूम से बाहर निकला, साइकिल लिया और निकल पड़ा बेस की ओर, जहां उसे डाइविंग की सारी चीजें लेनी होंगी, जिसमें सूट तथा ऑक्सीजन सिलेंडर भी शामिल रहेगा। रॉबर्ट के साथ डाइविंग ट्रिप के लिए उसके दोस्त भी आए हुए थे, पर आज वे इस ट्रिप पर नहीं जाने वाले हैं, लेकिन उसे समंदर के बीच छोड़ने के लिए साथ जाएंगे। फाइनली बोट में सारा सामान वगैरह रख लेने के बाद जर्नी शुरू हुई। डाइविंग के दौरान ये इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखेंगे कि ये समुद्र तट से ज्यादा दूर न जाएं, क्योंकि उस टाइम अक्सर तूफान वगैरह आते रहते थे। ऐसे में उनके पास भले ही सुरक्षा की सारी चीजें प्रोवाइड की गई हो, मगर प्रॉब्लम कब आ जाएंगी कुछ नहीं कहा जा सकता था, इसलिए ये सभी बातों का ध्यान रखेंगे। करीब आधे घंटे के सफर के बाद आखिरकार वे उस लोकेशन पर पहुंच गए जहां डाइविंग के लिए सबसे अच्छी जगह है। साथ ही साथ वह एरिया ऐसा था जहां बड़े मछलियां नहीं पाई जाती। यहां रॉबर्ट के साथ 4 और लोग आए थे, जिनका मेन मकसद है समंदर की गहराई में जाकर कुछ ऐसी चीजों का पता लगाना तथा उन्हें ढूंढना, जिसकी कीमत मार्केट में काफी ज्यादा थी। समंदर की गहराई तक पहुंचने के लिए एक बड़ी सी चैन की हेल्प ली गई, जो चैन बहुत पहले से यहां थी। ये सभी उसी की हेल्प से समंदर की गहराई में पहुंच गए। रॉबर्ट के साथ बाकी 4 लोग भी लगभग 20 मिनट तक डाइविंग किए। इन्हीं सब चीजों में दोपहर का समय खत्म हुआ। इस समय बज रहे थे शाम के 4। बीते 3 से 4 घंटों में इन्होंने बहुत सारी चीजें हासिल कर ली थी, जिसमें कई सारे समुद्री जीव थे जो अक्सर समंदर तल पर ही पाए जाते थे। सभी से जितना हो सका इन्होंने मछली तथा केकड़े वगैरह पकड़ लिए थे। पहले डाइव में ही ये 5 लोग काफी चीजें हासिल कर लिए थे, पर रॉबर्ट चाहता है कि अभी काफी समय है, हमें वापस से डाइव करना चाहिए। बाकी लोग तो इस काम के लिए तैयार तो नहीं हुए, पर बहुत करने पर आखिरकार मान गए। जब ये दोबारा से डाइव किए तो इस बार भी इन्हें कई सारे समुद्री जीव मिले, जिनकी मार्केट में कीमत काफी अच्छी थी। दूसरी बार डाइव करने पर इन्हें कई सारे समुद्री जीव मिले, जो पहली बार से भी कहीं ज्यादा थे। यही देख धीरे धीरे रॉबर्ट की लालच बढ़ने लगी। इसी टाइम सामने एक केकड़ा दिखा, उसे पकड़ना चाहा पर वह दूर भागने लगा, लेकिन वह उसका पीछा छोड़ा नहीं। वहां से थोड़ी दूर आगे बढ़ा होगा कि पानी के अंदर ही मानो जैसे कोई भवंडर जैसी चीज उसकी ओर आ रही हो, पर वह जो भी चीज थी उस पानी के सामने की चीज नहीं दिखाई पड़ी। अगले पल उसे अपने आप में जकड़ ली। रॉबर्ट उससे बचने की कोशिश किया, जिसकी कोशिश काफी लंबे समय तक चली। बाहर निकलने की कोशिश में काफी लंबे समय तक उलझा रहा। ऐसा लगातार 2 से 3 मिनटों तक चला, लेकिन जब वह चाहकर भी उस उलझन से बाहर नहीं निकल पाया तो इमरजेंसी की सिचुएशन में बाहर आने लगा। किस्मत अच्छी थी, जैसे तैसे बाहर आ गया। लेकिन जब बाहर आया तो उसने देखा वह इस टाइम अपने बोट से लगभग 150 मीटर दूर था। थोड़े समय बाद अंधेरा भी हो जाएगा, इसलिए देरी न करते हुए बोट की ओर तैर कर जाने लगा। काफी समय तक कोशिश किया बोट तक पहुंचने में, पर अभी भी बोट दूर है। उसे लगने लगा कहीं वे लोग उसे छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे, इसलिए चिल्ला चिल्ला कर आवाजें लगाया, पर उसकी आवाज बोट तक पहुंची ही नहीं। बोट पर मौजूद उसके साथी लगभग 2 घंटे तक उसके बाहर आने का इंतजार किए। उस टाइम उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो सच जानने के लिए खुद की जान दांव पर लगाकर डाइव किए, पर नीचे जाने के बाद उन्हें रॉबर्ट नहीं मिला, इसलिए अब वे और समय तक यहाँ नहीं रुके, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था यदि और देरी की गई तो किनारे पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। इस तरह 2 घंटे बाद रॉबर्ट को वहीं छोड़कर सभी लोग निकल पड़े, लेकिन जाने से पहले उसके गायब होने की खबर कोस्ट गार्ड को दी, जो बोट के जाते ही कोस्ट गार्ड की बोट आई। उस एरिया में चारों तरफ दूरबीन से देखा गया, मगर रॉबर्ट की किस्मत इतनी खराब थी कोस्ट गार्ड वहां गई ही नहीं जहां इस टाइम वो मौजूद था, इसलिए जैसे ही सूरज ढला कोस्ट गार्ड भी वापस लौट गई। इस तरह रॉबर्ट के पानी में फंसे हुए पूरे 5 घंटे हो चुके थे।
5 घंटे बाद उसे आसमान में एक सिंगल इंजन वाला प्लेन जाता हुआ दिखाई पड़ा। उसे लगा शायद ये कोस्ट गार्ड की टीम होगी, पर यह सच नहीं था। इसके बावजूद वह प्लेन की ओर इशारा किया, मगर प्लेन इतनी ऊपर थी कि वह पायलट को दिखेगा ही नहीं समंदर के बीच। शाम होते होते समंदर की लहरें काफी तेज हो गई थी, इसी कारण लहरों के बहाव में वह लगातार आइलैंड से दूर जाता जा रहा था। रॉबर्ट सूरज को अपने आंखों के सामने ढलता देख परेशान होने लगा, क्योंकि अब तक उसे लग रहा था शायद से कोस्ट गार्ड उसे ढूंढ लेंगे, पर अंधेरा होते देख वह मान लिया आज उसका यहाँ से निकलना नामुमकिन है। रात के अंधेरे में कोई उसे ढूंढने भी नहीं आएगा। वह पूरे टाइम आइलैंड की तरफ नजर गड़ाए हुआ था, बस इसी उम्मीद में कि कोई उसे बचाने के लिए आएगा। ऐसे ही वह देखता रहा, पर उसकी ओर कोई नहीं आया। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट की वाइफ के पास कुछ कोस्ट गार्ड गए। उन्होंने उसके गायब होने की खबर दी कि वह डाइविंग के लिए नीचे तो गया था, पर ऊपर आया ही नहीं। रॉबर्ट को ढूंढने के लिए दोबारा टीम भी भेजी गई थी, पर वह कहाँ चला गया हमें नहीं मिला। ये सुन उसकी वाइफ बहुत परेशान हुई, सोचने लगी मैं उसे सुबह ही मना कर रही थी कि मत जाओ, पर उसने हमारी बात नहीं मानी। इस तरह अंधेरा हो गया। अंधेरी रात तथा समंदर के बीच रॉबर्ट ऐसे ही भटक रहा है। इन बीते कुछ ही घंटों में रॉबर्ट आइलैंड से और भी दूर जा चुका था। वह किनारे जाने की खुद से कोशिश भी किया था, मगर पानी की लहरें इसकी विपरीत थी, जो हर सेकंड उसे आइलैंड से दूर ले जा रही हैं। इसी टाइम उसे अपने बैग में कुछ हलचल होता हुआ दिखा। दरअसल जब वह डाइव किया था तो उस दौरान कई सारे समुद्री जीव पकड़ लिया था, जिनमें से एक केकड़ा अभी भी था उसके बैग में ही। स्टार्टिंग में बैग में हुए हलचल से वह काफी डर गया था, लेकिन जब ध्यान दिया तो पता चला कि इसमें तो एक केकड़ा है, जिसे उसने डाइव के टाइम आखिरी समय पकड़ा था। फिलहाल जैसे तैसे रात गुजर गई, सुबह हुआ, यानी अब तक उसे पानी में रहते हुए हो चुके थे पूरे 18 घंटे। जैसे तैसे करके वह अभी भी सर्वाइव कर रहा है। उसे उम्मीद है रेस्क्यू टीम कैसे भी करके उसे ढूंढ लेगी। सुबह के वक्त पता चला जहाँ से उसने डाइविंग शुरू की थी, इन बीते 18 घंटों में वह जा चुका था करीब 16 किलोमीटर दूर। मींस इतने दूर तैरकर किनारे जाना आसान नहीं होगा। सुबह के करीब 10 बजे जब वापस से बैग ओपन किया तो पता चला उसमें रखा हुआ केकड़ा अभी भी जीवित है। यह देख उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो जीव अक्सर समंदर तल पर रहते हैं उनका समंदर तल से बाहर आने के बाद भी जीवित रहना थोड़ा सा आश्चर्यजनक था। पर वह उसके साथ कुछ नहीं किया, अपने पास ही रखने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता है यदि वह और ज्यादा समय तक यहाँ फंसा रहा तो वह इसे खाकर जीवित रह सकता है। दूसरे दिन का दोपहर भी खत्म होने को आया। अब तक उसे पानी में रहते हुए हो चुके थे पूरे 28 घंटे। इन 28 घंटों से पानी में रहते रहते उसका हाथ पांव फूल चुका था। जब एक हाथ का ग्लव्स निकाला तो पता चला हाथ की स्किन लूज तथा इन्फेक्टेड हो चुकी है। जैसा कि न्यूजीलैंड पृथ्वी के ठंडे एरिया में है, इसी वजह से पानी का तापमान भी बहुत कम था। उंगलियां बैक्टीरियों से इस तरह इन्फेक्टेड हो गई थी कि एक उंगली का नाखून ही उखड़ गया। अभी तो सिर्फ 28 घंटे हुए थे, इतने कम समय में उसकी इस तरह बिगड़ते कंडीशन को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो लगातार मौत की तरफ बढ़ रहा हो। शाम के टाइम जब भूख लगने लगी तो पकड़े गए एक जानवर को खाने लगा, पर ऐसा करना आसान नहीं था, मगर उसे सरवाइव करने के लिए जो भी करना पड़ रहा था कर रहा था सब कुछ। पर उस बड़े केकड़े को अभी भी बैग में संभाल कर रखा है। थोड़े समय बाद जब भूख वापस से लगी तो उसे भी खाने लगा। अब तक उसने जितने भी जानवरों को पकड़ा है सभी को खा गया। शाम होते होते डाइव पॉइंट से लगभग 20 किलोमीटर दूर जा चुका था। इन सब चीजों से वह भूख को तो मिटा चुका है, पर पीने के लिए फ्रेश पानी नहीं मिल सका। वैसे भी समंदर का खारा पानी पी भी नहीं सकता, इसलिए पानी नहीं पिया। आगे इसी उम्मीद में रहा कि बारिश होगी, क्योंकि यहाँ के आसपास के आइलैंड पर अक्सर बारिश होती रहती है। और उसने जैसा सोचा था अगले 1 से 1.5 घंटे बाद वैसा ही हुआ, हल्की हल्की बारिश होने लगी। बारिश के फ्रेश वाटर को पीने की कोशिश तो किया, लेकिन इस फ्रेश वाटर को इकट्ठा करने के लिए कोई चीज नहीं है। पर फिर भी बारिश जब तक होती रही थोड़ा बहुत पीने में कामयाब हुआ। अब तो सूरज ढलने का समय भी हो गया, यानी उसे इस समंदर में फंसे हुए हो चुके थे पूरे 36 घंटे। शाम को भी जब रॉबर्ट के बारे में कोई अच्छी खबर नहीं मिली उसकी वाइफ को, तो वह सूर्यास्त के टाइम समंदर के किनारे आई, जहां से रॉबर्ट बोट से निकला था। वह इसी उम्मीद में समंदर के किनारे अगले कई घंटों तक रही कि उसे रॉबर्ट कहीं न कहीं दिख जाएगा, पर उसे कहां पता वह यहां से लगभग 20 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है समंदर में। अब तक कोस्ट गार्ड भी उसे ढूंढना बंद कर दिए थे, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था शायद वह पानी में डूब गया। लेकिन उसे ढूंढने के लिए जब अंदर डाइवर गए तो उसकी डेड बॉडी न मिलने पर उसे लापता घोषित कर दिया गया। फिलहाल दूसरी रात भी होने को आई, रॉबर्ट अभी भी पानी के बीच फंसा पड़ा है। ना वह खुद तैरकर किनारे तक पहुंच सकता था, ना ही उसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आने वाली थी, पर वह आखिरी सांस तक जीवित रहने की कोशिश करना चाहता है। रात को उसे सामने एक आइलैंड दिखाई पड़ा जहाँ से आ रही थी रोशनी। उसे लगा शायद ये आइलैंड काफी नजदीक है, अगर वह तैरकर वहाँ तक जाए तो जल्दी पहुँच जाएगा। लेकिन जब तैरना शुरू किया तो पता चला यहाँ कोई आइलैंड है ही नहीं,
और जो उसे रोशनी दिख रही थी वह यहाँ से 20 से 22 किलोमीटर दूर होगा। लेकिन वह किनारे जाना जारी रखा, पर अभी भी पानी की लहरें आइलैंड के विपरीत डायरेक्शन में जा रही थी, इसलिए वह जितनी भी कोशिश कर ले वह किनारे जाने की बजाय उससे दूर जाएगा। पहली रात तो उसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर दूसरी रात उसे हलुसिनेशन होने लगा। उसके दिमाग में जैसी चीजें चल रही थी सामने भी वैसा ही दिखाई पड़ने लगा, मानो जैसे वह समंदर से बाहर आ चुका हो। बाहर आते ही सामने एक दुकान दिखाई पड़ी जहाँ जाकर वह खाने का सामान लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वह इस भ्रम से बाहर निकला तो उसे पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिला, क्योंकि वह अभी भी है समंदर के बीच। मिडनाइट में उसे पुरानी बातें याद आने लगी। वह यही सोच रहा था वह यहाँ आया क्यों। उसे अपनी वाइफ की कही हुई बात याद आई जो वह सुबह ही कह रही थी कि उसे नहीं जाना चाहिए, इस समय मौसम कुछ ठीक नहीं है, पर वह एक नहीं सुना और इसका जो परिणाम हुआ वह देख रहा है खुद अपनी आंखों से। जैसे तैसे दूसरा दिन भी खत्म हुआ, हो चुका है सवेरा, यानी आज है तीसरा दिन। पिछले 3 दिनों से पानी में रहते रहते उसका बॉडी काफी भारी हो गया था, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर बॉडी से अलग कर दिया क्योंकि अब उसे ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं थी। तीसरे दिन की सुबह से ही बचने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे पानी में हलचल होता हुआ दिखाई पड़ा। जब इधर उधर देखो तो पता चला यहाँ कुछ तो है जो साइज में है उसके बराबर, क्योंकि सच्चाई भी थी कुछ इसी तरह से, क्योंकि उसके चारों तरफ एक बड़ा सा शार्क घूम रहा है। लेकिन वह जैसे ही शार्क को अपने करीब आता देखा वहाँ से दूर भागने लगा, साथ ही साथ पानी में ऐसा हलचल किया कि सामने उस मछली को लगे वह जिसका पीछा कर रहा है वह उससे भी बड़ा है। इन्हीं सब चीजों में काफी समय उलझा रहा, पर थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ पानी बिल्कुल शांत हो गया है। इसका मतलब एक ही था, शायद से शार्क वहाँ से भाग गया। पर यह पूरी सच्चाई नहीं थी, शार्क वहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया था, सिर्फ चला गया था पानी के अंदर। लेकिन रॉबर्ट को शार्क न दिखने से उसके अंदर थोड़ी सी शांति हुई। आगे वह पूरे टाइम रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार ही करता रहा, सिवाय इसके कि वह भी बचने के लिए कुछ करे। रॉबर्ट बारिश के बाद से समंदर का एक घूंट पानी भी नहीं पिया था, इसी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो चुका था। वह कई बार समंदर के खारे पानी को ही पीना चाहा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। आगे जैसे जैसे समय गुजरता गया उसकी हेल्थ लगातार खराब होती गई। दोपहर के बाद से वह मान लिया कि अब वह यहाँ से कभी नहीं निकल सकता, इसलिए वह खुद को ही डुबाकर मारना चाहा। ऐसा वह कई बार किया, अपना बॉडी कई बार पानी के अंदर ले गया, पर भला कोई अपने आप को कैसे मार सकता था। अपने आप को कई बार पानी में डुबाने के बाद वापस से बाहर निकाल लेता था। इस तरह तीसरा दिन भी खत्म हुआ, हो गई रात, यानी अब तक उसे पानी में रहते हुए पूरे 68 घंटे कम्प्लीट हो चुके हैं। अब तक ना ही उसे बचाने रेस्क्यू टीम आई, ना ही पास में कोई ऐसा आइलैंड दिखा जहाँ जाकर उसे मदद मिल सके। तीसरी रात उसके बॉडी में इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वह जीवित रहने के लिए अब तैर भी सके, बार बार उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। इन बीते 3 दिनों में रॉबर्ट लगभग 60 किलोमीटर दूर जा चुका था किनारे से, जहां दूर दूर तक कोई भी टापू नहीं था। फाइनली तीसरी रात भी जैसे तैसे खत्म हुई, सुबह हुआ, पर तीसरे दिन उसकी वाइफ दोबारा से रेस्क्यू टीम से चाहती थी कि उसे ढूंढा जाए, इसलिए कोस्ट गार्ड वापस से उसे ढूंढने के लिए रेस्क्यू मिशन चलाए। इसके लिए कुछ कोस्ट गार्ड बोट के साथ निकल पड़े समंदर में। इसी टाइम उसकी वाइफ भी समंदर के किनारे ही थी। इन बीते 3 दिनों में वह भी मान चुकी थी कि रॉबर्ट अब जिंदा नहीं होगा, पर फिर भी वह चाहती है कि उसे ढूंढा जाए। अगर वह जिंदा ना भी हो तो उसकी डेड बॉडी तो मिलनी चाहिए। सुबह जब रॉबर्ट को होश आया तो वह पाता है कि वह अभी भी जीवित है, क्योंकि वह पूरी रात सो गया था, पर उसके सूट की वजह से वह सही सलामत पानी में तैर रहा है। जो अब तक रात कोई हार मान लिया था कि जीवित नहीं बच सकता, सुबह होने पर वापस से सर्वाइव करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे कहां पता था आज उसके संघर्ष का आखिरी दिन है। 11 बजे के आसपास उसने देखा कि उसकी तरफ एक बोट आ रही है। कोस्ट गार्ड की भी नजर उस पर पड़ गई। वे लोग अब और देरी न करते हुए पहुंचे उसके पास। इस तरह 4 दिनों तक समंदर में फंसे रहने के बाद आखिरकार रॉबर्ट को बचा लिया गया। बोट में लाने के बाद कोस्ट गार्ड ने देखा उसकी हेल्थ बहुत ही खराब है, अब देरी न करते हुए इलाज के लिए तुरंत किनारे की ओर निकल पड़े। आगे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर पता चला वो हाइपोथर्मिया से पीड़ित था, साथ ही साथ पानी न पीने की वजह से पूरा शरीर डिहाइड्रेट हो चुका था। इस वीडियो में बात की गई है कुछ ऐसे लोगों की जो कबीले वालों से बचने के लिए प्लेन से भाग रहे थे, पर बीच रास्ते में प्लेन क्रैश हुआ एक रेगिस्तान के बीच। इस क्रैश के बाद उनमें से कुछ लोग तो जीवित बच गए, पर कबीले वाले वहां पर भी पहुंच गए उन्हें मारने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।